यहाँ पे सीपीएल हुआ था, इतना शानदार हमारा ग्राउंड पूरा खराब हो चुका है। और तो सीपीएल के वीडियोस देखना है तो कमेंट सेक्शन में बताओ कि सीपीएल के ब्लॉग आने चाहिए या नहीं। एक नंबर नाश्ता करवाया। ये हमारी आउटफील्ड की हालत हो चुकी है पूरा। तो अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है साहिल शेख, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साहिल शेख ब्लॉग्स। तो भाई आज का शेड्यूल ये कि आप लोगों को जैसे कि पता ही है लास्ट ईयर हमारा CPL 3 हुआ था और उसका मैंने ब्लॉग बनाया था, काफ़ी शानदार हुआ था हमारा CPL 3 जो कि मस्तान ने ऑर्गेनाइज़ किया था। और इस बार डिफाई बॉयज ऑर्गेनाइज़ कर रही है और हमारा ग्राउंड जो है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। तो आज JCB मंगाया है वहाँ पर और JCB से सब लेवल करने वाले, तो वहाँ पर चलते तो और देखते हैं क्या है, कैसा क्या होता है। और डिफाई बॉयज यानी कि मज़र भाई, आप लोग आगे देखेंगे उसको और थोड़ी स्पीच भी लेंगे हम लोग मज़र भाई की। ये सीन है, बस चलो देख ग्राउंड पर चलकर कितना ज़्यादा ख़राब है और क्या है क्या नहीं सब कुछ बताऊँगा आप लोग में। तो ब्लॉग में बने रहना, इस बार भी हमारा CPL 4 शुरू होने जा रहा है, इस वजह से ग्राउंड की तैयारी स्टार्ट हो चुकी है। चलो ठीक है, अब ब्लॉग में बने रहना, बाय। मैं ग्राउंड पर तो आ चुका हूँ और तो जैसे कि आप लोगों ने लास्ट ईयर देखा होगा कि हमारा CPL जो हुआ था वो यहीं पर हुआ था। तो पूरा गंदा है ग्राउंड अभी फ़िलहाल, क्योंकि पानी सब आता है यहाँ पर और सब घास वगैरह उग चुकी है और पानी आता है तो पूरा कीचड़ में है, कीचड़ हो चुका है और खड्डे भी काफ़ी ज़्यादा बड़े बड़े हो चुके हैं। तो इस वजह से JCP लेकर आए, उस दिन भी JCP लेकर आए थे पर कुछ काम नहीं हुआ था, रात हो चुकी थी। और आज लेकर आए हैं JCP और पूरा क्लियर कर रहे थे। देखो यहाँ पे ये पूरा देख रहे हैं, पूरा क्लियर कर रहे, क्योंकि ये जो है रास्ता वहाँ से रास्ता बनाना पड़ेगा पानी जाने के लिए, क्योंकि ख़राब जो गंदा पानी है वो सब ग्राउंड के ऊपर आ रहा है। तो जैसे वहाँ से क्लियर करने का भी सोच नहीं रहे कर रहे। तो ये सीन था, अब ब्लॉग बना, थोड़ा बोला कंटेंट भी मिल जाएगा अपने को, इस वजह से ब्लॉग शूट कर रहा हूँ। ठीक है, चलो अब देखते हैं। अस्सलामुअलैकुम, यहाँ पे JCB का काम चालू है, सभी लड़के की मेहनत से यहाँ पे JCB आया और हमारे सभी भाई ने जरा बहुत ही मेहनत लगाई और सुबह 8:30 बजे यहाँ पर हाजिर कर दिया JCB को। तो आप देख सकते हैं इंशाल्लाह कितना अच्छे से साफ सफाई हो रही है जो हमारे साइड पर आपको दिखाई गए। और ये JCB वहाँ तक पहुँच गया है और हमारे सबीर भाई जिन्होंने 8:30 बजे यहाँ पे मंगा दिया और बहुत कल फोन बिन करके उन्होंने थोड़ी जद लगा दी और अब मंगाया तो उससे बहुत फास्ट काम हो गया। वैसे ही काम करते रहे सब मिलके और आपका ताउन भी देते रहे सभी लड़के, तो इंशाल्लाह ये ग्राउंड बहुत खूबसूरत बनेगा लॉर्ड्स के जैसा, क्योंकि सब लड़के मेहनत कर रहे हैं। मजर भाई शुक्रिया, कैमरामैन साहिल के साथ मजर शेख आज तक। और एक चीज़ कहना चाहता हूँ, हमारे गांव के जो बड़े बड़े लोग हैं, हमारा मुजस्सर भाई, आसिफ चाचा है, मज़र भाई है और रिर चाचा है, मुराद चाचा है, इनकी सबकी मदद से आज JCP आ पाया है। और इन लोग ही सब सुबह से है, 8:30 से अभी बज रहे हैं 10 और बेचारे 8:30 से है मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि CPL यही पर खेलना है हमारे को, फिर से CPL Season 4 यही पर होगा इंशाल्लाह। ठीक है, चलो अब देखते हैं जो भी काम रहता है बता दो। ठीक है, चलो चले
रुक अल्लाह कर दो जैसे बहुत एक बहुत अच्छा है, एक नंबर नाश्ता करवाया, काम भी अच्छा हो रहा है, इंशाल्लाह आज हो जाएगा सब। कल से प्रैक्टिस चालू क्या? तो फिर तो देखो जेसीपी तो अभी थोड़ा रेस्ट के लिए, आराम के लिए थोड़ा बंद कर दिया, मतलब कि वो बहुत ज़्यादा गर्म हो चुका था और 3 या 3.5 घंटा कुछ कंटिन्यूस चला है, तो इस तरह से गर्म हुआ है तो थोड़ा बंद करके रखा है उसने ड्राइवर ने। तो तब तक हाथ से ही काम स्टार्ट हो चुका है, पीछे दिखाता हूँ मैं आप लोगों को। ये चिंता मैं यहाँ पर इसलिए ही हूँ क्योंकि ब्लॉग बना और जहाँ पे सीपीएल हुआ था इतना शानदार हमारा ग्राउंड पूरा ख़राब हो चुका है हमेशा की तरह। लास्ट ईयर भी ख़राब था पर इतना नहीं था, इस बार काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुका है। तो मैं आप लोगों को वीडियो से निकाल के बताता हूँ, जो भी है बस बनाना है ग्राउंड खेलने के लिए, सिर्फ बॉक्स गेम का हमारा ग्राउंड ही बचा हुआ है बस। ठीक है चलो बताता हूँ वीडियो आप लोगों को, चलो। जैसे कि देखा होगा आप लोगों ने ये सीन था पूरा। और क्या है, हमारा सीपीएल अब सीज़न 4 स्टार्ट होने जा रहा है, इस वजह से काफ़ी ज़्यादा मेहनत चल रही है हमारी, तो इसलिए ग्राउंड बनाना। देखो कितना ज़्यादा कीचड़ है, देखो ये पूरा पूरा ख़राब है पूरा ग्राउंड। और मेहनत काफ़ी 3-4 दिनों से हम लोग आ रहे हैं यहाँ पर, मेहनत कर रहे भाई, आया है आया लाइक करो सब्सक्राइब। तो देखो कितना ज़्यादा कीचड़ है, बताता हूँ मैं आप लोगों को, ये सीन है पूरा। और जहाँ पे देखो 2-3 जन जो बोलते हैं ना कोचर लोग आके बैठे हुए, और कोचर लोग आके बैठे हुए यहाँ पे देखो 3 जन है, अजहर भाई, अल्फाज और अलगैस, तीनों जन आके बैठे हुए सिर्फ कोचिंग करने के लिए। और ये जो पूरा जो दिख रहा है पीछे, ये पूरा क्लीन किया हुआ है आज ही जेसीपी, और वहाँ पर सब हाथ से काम कर रहे हैं जैसे कि मैंने बताया आप लोगों को। ठीक है ये सीन है पूरा, अब ग्राउंड बनाना है, सीपीएल स्टार्ट होने जा रहा है हमारा, और तो सीपीएल के वीडियोस देखना है तो कमेंट सेक्शन में बताओ कि सीपीएल के ब्लॉग आने चाहिए या नहीं, सब कुछ कमेंट सेक्शन में बताना। ठीक है चलो अब जो भी रहेगा ब्लॉग काफ़ी बड़ा नहीं बनाऊंगा, छोटा मोटा ब्लॉग बनाऊंगा। और हमारा देखो आउटफील्ड, देखो ये हमारी आउटफील्ड की हालत हो चुकी है, पूरा खड्डा है, इसको सब बनाना है हमारे को। ठीक है चलो जो भी है बताता हूँ, उसके बाद ब्लॉग को एंड करेंगे। चलो भाई तो बस जो भी था मैंने बताया आप लोगों को, अब मैं चला घर पर, घर पर जाके फ्रेश होना है और उसके बाद अगर आया तो फिर बताऊंगा, वरना फिर ब्लॉग को एंड करेंगे शाम को ही। ठीक है चलो अब चलते घर पर, बाय। नीला मुद्दा सर भाई को चुन सकते हैं क्योंकि वो बहुत अच्छा कोऑपरेट किया और बहुत अच्छी मेहनत की अपने ग्राम पंचायत के इलेक्शन में, इंशाल्लाह चलिया मुद्दा सर भाई इलेक्शन में। तो बस गाइस जो था जैसा भी था मैंने ब्लॉग बनाया और लोगों ने देखा ही ब्लॉग, अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज़ को लाइक दे देना, कमेंट सेक्शन में बताना कैसा लगा और सब्सक्राइब के बटन को सब लोग मिलकर दबा दो। चलो मिलते हैं इस तरह के शानदार ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, दुआ में याद रखना, जिक्र का दुआ पर स्वाद रखना, बाय बाय।